राहुल गांधी की अपने पड़ाव स्थल से महाकाल दर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहां से उनका काफिला निकलने के लिए तैयार है। हम यहां खड़े हैं महाकाल सेतु पर। इस मार्ग से राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री राज्य राजस्थान, अशोक गहलोत, प्रियंका वाड्रा और स्थानीय नेता महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करेंगे। तत्पश्चात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समय अनुसार 4 बजे आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में आम सभा को संबोधित करेगी। सभा स्थल पर 3 मंच बनाए गए हैं और 50,000 कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय नेताओं के अनुसार राहुल गांधी की आम सभा में कम से कम स्थानीय नेताओं के अनुसार राहुल गांधी की आम सभा में कम से कम दो लाख लोगों के आने की संभावना है। स्थानीय नेताओं के द्वारा आने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ता और आमजन के लिए सारी व्यवस्था की गई है। उज्जैन से ब्यूरो चीफ राजकुमार शुक्ला की रिपोर्ट। मंदिर के अंदर राहुल गांधी जो अपने पड़ाव स्थल निनोरा से उनके काफिले के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, संभावित मार्ग से संभवतः 2 से 2:30 बजे के करीब उनका काफिला वहां से रवाना होगा महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत और उनके साथ स्थानीय नेता यहां पे महाकाल मंदिर गर्भगृह में दर्शन करने के लिए आएंगे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके पश्चात संभवतः 4 बजे के करीब आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में उनकी आम सभा का आयोजन रखा गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के पश्चात सीधे राहुल गांधी सभा स्थल पर जाएंगे। उज्जैन से कैमरामैन अशोक के साथ राजकुमार शुक्ला, वंदे भारत।